बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वाश टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ की हुकूमत जब इक्तदार में आई थी तो ये दावा किया गया था कि उनके दौरे इक्तदार में करप्शन नहीं होगी, लेकिन आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं और उसमें किन किन महकमों में कहा गया है कि माली बेजाब्तियाँ हुई हैं, खुर्द बुर्द हुई हैं और तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेजाब्तियाँ और 1 अरब 30 करोड़ रुपये की खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा सबसे अहम बात नाज़रीन, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि सहाफ़ियों के नाम पर भी फ़ंड लिया गया है, वो जो सीक्रेट फ़ंड था जिसकी चहमगोइयाँ होती रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL के 2018 के सीज़न 3 और 2019 के सीज़न 4 में माली बेजाब्तियाँ सामने आई और तकरीबन 68 लाख रुपए से ज़ायद की रकम सहाफ़ियों के नाम पर ली गई है। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसमें दीगर महकमों का भी कहा गया है, क्योंकि 400 अरब रुपए की माली बेजाब्तियाँ 1 अरब 30 करोड़ रुपए के खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये 2019 और 20 की माली साल की रिपोर्ट है जिसमें ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया है। ये कहा गया है कि PSL का सीज़न जब स्टार्ट हुआ तो PSL 3 में यानी कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर है सहाफ़ियों के नाम पर $1000 लिए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वीज़ा ट्रैवलिंग के चार्जेस और सर्विस ट्रैवलिंग के चार्जेस भी लिए गए और लगभग ये 68,33,226 रुपये बनते हैं जो सहाफ़ियों के नाम पर PSL में लिए गए। अब ये कौन कौन से सहाफ़ी हैं, क्योंकि बैनुलसूबाई राबता कमेटी ने इस हवाले से PCB से बहुत दफ़ा फहरिस्त तलब की कि बताया जाए वो कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके नाम पर 68 लाख रुपए का फ़ंड खुर्द बुर्द किया गया है, उन सहाफ़ियों की फहरिस्त दी जाए। लेकिन अभी तक जो PCB है उन्होंने फहरिस्त ना दी, जिसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसमें ये कहा गया है कि जो डेली चार्जेस हैं $1000, ट्रैवलिंग चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, बेसिकली जो $1000 तकरीबन जो सहाफ़ियों के नाम पर दिए गए उनकी रकम 45,30,500 रुपया बनती है। इसके अलावा वीज़ा ट्रैवलिंग की मद में 19,17,28 रुपये और इसी तरह सर्फस ट्रैवलिंग में 40 लाख रुपये, ये वो रकम बनाई गई है कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। और इसके अलावा क्या वाकई ही ये रकम सहाफ़ियों को दी गई है, क्योंकि अभी तक जिस तरह माजी में जाएं तो आपको मालूम होगा एक रहमानी हज हुआ था, उसके बाद जो भी हजाज कराम जो गए थे, जो जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई थी। अब जो अभी तक फहरस्त ना दी गई है इसका मतलब तो यही है कि PCB की जानिब से कुछ अपने चहेते लोगों को नवाजा गया है और उनकी जो ये सीक्रेट फंड है जिसकी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है 68 लाख रुपया। अब यहाँ में सवाल ये पैदा होता है कि नजम सेठी के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, दीगर PCB के अहदेदारान के ऊपर इल्ज़ाम लगे, लेकिन ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, अब देखना यह है कि कब ये फहरिस्त मरतब की जाएगी, सामने लाई जाएगी, कौन से जर्नलिस्ट थे जो दुबई में गए थे PSL 3 और PSL 4 यानी कि 2018 और 2019 में उनके नाम पर 68,33,226 रुपये जो कौमी ख़जाने से लिए गए हैं। अब जब तक PCB ये फहरिस्त मुरतब करके जो महकमाना है उनको नहीं देती, क्योंकि महकमाना कमेटी को ये रिपोर्ट सबमिट करना होती है, अभी तक ये सबमिट नहीं की गई। अब देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के कायद इस इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या इसका नोटिस लेंगे और इसमें जो किरदार छुपे हुए हैं क्या उनको बरतरफ किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है KPL भी स्टार्ट हो चुकी है और KPL जो स्टार्ट हुई है उसका टाइटल उस शख्स को दिया गया है जो ऑलरेडी नैब जदा है, यानी कि नैब उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, उसके वारंट सैफुररहमान ख़ान न्याजी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। 11 अगस्त तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत पर है और उसको टाइटल KPL का दे दिया गया है, क्योंकि इससे कबल KPL के इंतज़ामिया ने रकम ना देने पर B4U उस टाइम इनका हुआ था, इनके साथ मायदा वो मनसूख कर दिया था, जिसके बाद B4U के जो ऑर्गेनाइज़र हैं यानी कि सैफुररहमान ख़ान न्याजी की जो टीम है उन्होंने कहा हमने
अदालत में केस किया हुआ है, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि आरएफ मलिक के पास जाकर उससे माफ़ियाँ तलाफियाँ की गई। उसके बाद ये टाइटल एसआर ग्रुप के नाम यानी कि सैफुर्रहमान खान के नाम किया गया है, लेकिन सैफुर्रहमान खान नियाज़ी तो ऑलरेडी नैब इंक्वायरी में फंसे हुए हैं, और उस शख्स को टाइटल क्यों दिया गया ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा, क्योंकि जो KPL है उसमें भी करप्शन की दास्तानें अरूज पकड़ती जा रही हैं। अब देखते हैं कि PCB क्या उन सहाफ़ियों के नाम सामने लाएगा जिनके नाम पर 68 लाख रुपए की रकम कौमी ख़जाने से ली गई है या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।